लगभग 5:30 बजे मैं सिलीगुड़ी पहुंचूंगा और पहुंच के मेरा जो मनीषा है मैं वहां पे हॉस्पिटल में पहले जाऊंगा, जो लोग इंजियोर्ड है उनसे मिलूंगा और उनका हालचाल पूछूंगा और हमारी पार्टी के सांसद से लेकर विधायक से लेकर सब वहां पे मुस्तैदी से तैनात है। अभी हमारे सांसद मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं एट प्रेजेंट, उन लोगों से मिलके उसके बाद वो माननीय रेल मंत्री जी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जाएंगे। माननीय रेल मंत्री भी कुछ ही समय बाद वहां पे पहुंच रहे हैं। हम पूरी तरीके से जनता के साथ खड़े हुए हैं दुख की स्थिति में। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी भी जा रही है वहां, उनका स्वागत है, वो आ सकते हैं, लेकिन मेरा उनसे प्रार्थना है कि इस दुख की स्थिति में वो पॉलिटिक्स ना करें, लोगों के पास जाए लोगों के साथ खड़े हो, लेकिन इसमें पॉलिटिक्स, बीजेपी को दोष देना, इसको दोष देना ये ना करें। मतलब बालासोर में एक साल पहले ही ऐसा एक इंसिडेंट हुआ, इतनी लोगों की जान गई, फिर भी उसके बाद ऐसा एक इंसिडेंट, ये जो बोला जा रहा था कि कवच सिस्टम पूरे नेटवर्क में लगाया जाएगा, पूरे इंडियन रेल में कवच सिस्टम आएगा, तो कवच सिस्टम चल रहा है लगाना, लेकिन ये तो देखिए हम गले में जो कवच डालते वो वाला तो कवच नहीं है, इसको इंस्टॉल करने के लिए टाइम लगता है। इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी रेल है, तो इसमें कवच लग रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और इसमें कभी कभी ह्यूमन एरर हो जाता है। अभी ह्यूमन एरर हो गया है, अभी जो प्राथमिक जो ये इंक्वायरी है उसमें जो डेटा आया है उससे दर्शाता है कि जो मालगाड़ी के जो ड्राइवर थे उनके द्वारा कुछ मिस्टेक हुई है। तो कवच लगने के बाद ये घटना घटेगी, लेकिन कवच लगने में भी टाइम लगता है, एक दिन दो दिन की काम नहीं है। और इससे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता था, कवच लगने के बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सीडेंट घटा है। जितने जल्दी हम कवच लगाएंगे उसके साथ साथ LHB कन्वर्शन हो रहा है रेल का, ICEF जो इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री वाला जो कोच है उसको हटा के जितने LHB आएंगे उतनी मौतें कम होगी, अगर एक्सीडेंट बाई चांस हो भी गया फिर भी, तो एक इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, ये टाइम के साथ साथ ये काम हम करेंगे। अभी तक मेरे पास जो रिपोर्ट है एकदम ग्राउंड रिपोर्ट है, 8 लोगों की मौत हुई है, टोटल 44 लोग इसमें एडमिटेड है हॉस्पिटल में, 4 की स्थिति संगीन है, मतलब क्रिटिकल है जिसे बोलते हैं, 4 की स्थिति क्रिटिकल है, बाकी 40 लोग खतरे से बाहर है, ऐसा मेरे पास इनपुट आया है, टोटल 52। पूरा व्यवस्था चल रहा है वहां पे, सहायता के लिए हमारे सांसद से लेकर विधायक से लेकर सब खड़े हुए हैं, सरकारी टीम पहुंच गई है, रेल की टीम पहुंच गई है और पूरे मुस्तैदी से वो काम कर रहे हैं।